पब्लिक टीवी आपकी आवाज। और पब्लिक टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर बाल आयोग की सदस्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हटा दिया गया है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर बाल आयोग की सदस्य को हटा दिया गया है। पब्लिक टीवी की खबर का बड़ा असर सामने आया है। पब्लिक टीवी की खबर को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की दो सदस्यों डॉक्टर प्रीति वर्मा और जया सिंह को हटा दिया है। डॉक्टर प्रीति के पति आशीष पांडे 2 रुपए प्रति ट्वीट से संबंधित ऑडियो वायरल होने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार हो चुके हैं। आशीष कुछ समय पहले तक सीएम योगी के सोशल मीडिया सेल में काम देखते थे। पति की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर प्रीति मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रही थी। उन्होंने सरकार से नाराजगी भरे कई और भी ट्वीट किए थे। डॉक्टर प्रीति ने यहां तक ट्वीट किया, मेरा संगठन और सरकार दोनों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि मेरी सहनशीलता और पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को मेरी कमजोरी न बनने दिया जाए। विषय सभी के संज्ञान में है। प्रीति ने 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ट्वीट किया था। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य पद से हटा दिया। उनका कार्यकाल अगस्त तक था। उनके साथ ही जया सिंह को भी सरकार ने हटा दिया। उनका कार्यकाल इस साल दिसंबर तक था। 2 सदस्यों के हटाए जाने के बाद अब 7 सदस्य बाल आयोग के अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य रह गए हैं।